चलेगा, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, सीएमए स्टडी मटेरियल। देखिएगा, सीएमए स्टडी मटेरियल का ये इलस्ट्रेशन है, शीट में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखो, ये क्या बोल रहा है। योर कंपनी इज कंसीडरिंग टू एक्वायर एन एडिशनल कंप्यूटर टू सप्लीमेंट इट्स टाइम शेयर कंप्यूटर सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। ठीक है, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदना है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दे सकें। इट हैज टू ऑप्शंस। अब जो कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन है। कंपनी ऑप्शन वन है बाइंग ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन यानी आप इस कंप्यूटर को परचेज कर सकते हैं 22 लाख में, और ऑप्शन टू है लीजिंग ऑप्शन। टू लीजिंग ऑप्शन। अब इस लीजिंग ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है, आपको एक तो लीज रेंट देने हैं, पांच लाख, उसके बाद आपको अपनी रेवेन्यू का 10% देना है, 10% ऑफ रेवेन्यू देना है, और एक एडिशनल पेमेंट करना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। लास्ट ईयर में आपको एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा 6 लाख। ये लीजिए, तो लीजिंग ऑप्शन में हमारे पास है 5 लाख का तो एनुअल लीज रेंट, रेवेन्यू का 10%, और थर्ड ईयर में एक लमसम अमाउंट देना है 6 लाख। ठीक है, लीज रेंट्स आर पेबल एट द ईयर एंड एंड द कंप्यूटर रिवर्ट्स टू द लेसर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। आपको अगर आप लीज पर लेते हो तो कितने साल के लिए लोगे, 3 साल के लिए, और 3 साल बाद आप ये रिवर्ट बैक कर दोगे लेसर को। कंपनी एस्टीमेट कर रही है कि जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसे थर्ड ईयर के एंड पर बेचते हैं तो हमें 10 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। फोरकास्ट ऑफ द रेवेन्यूज आर, आपको ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री की रेवेन्यू की फोरकास्टिंग दी हुई है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑब्लिक लीज रेंट ऑफ द कंप्यूटर आर एस्टिमेटेड एट ₹9 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो समझिएगा, आप चाहे कंप्यूटर को बाय करें या आप चाहे कंप्यूटर को लीज पर लें, आपको उसके ऑपरेटिंग खर्चे तो करने ही करने पड़ेंगे। और 1 लाख रुपए स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है। बताइए, अगर स्टार्टअप और ट्रेनिंग कॉस्ट लग रही है तो क्या वो दोनों अल्टरनेटिव में लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 9 लाख और एक स्टार्टअप एक्सपेंस 1 लाख, ये दोनों ही खर्चे दोनों ही अल्टरनेटिव में लग रहे हैं, बाइंग ऑप्शन में भी लगेंगे और लीजिंग ऑप्शन में भी लगेंगे। तो ये दोनों ही खर्चे हमारे डिसीजन के लिए क्या हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। दीज कॉस्ट आर टू बी बोर्न बाय द लेसी। योर कंपनी विल बोरो एट 16% इंटरेस्ट
टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोन लेते हो तो लोन 16% की रेट पर मिलेगा, रीपेमेंट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केड्यूल होगा। ईयर एंड वन पर 5 लाख का तो प्रिंसिपल है, 352 का इंटरेस्ट। इसी तरह से सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रखा है और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रखा है, तो वी कैन कंप्यूट इंस्टॉलमेंट अमाउंट। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट्स असेट्स ऑन इट्स असेट्स एंड पे 50% टैक्स ऑन इट्स इनकम। 50% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो और स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम होता है। ये पूछ रहा है द मैनेजमेंट अप्रोचेस यू टू एडवाइस विच ऑल्टरनेटिव वुड बी रिकमेंडेड एंड वाई। फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% के दे रखे हैं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% के दे रखे हैं। आइए चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव वन। लीज ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव वन है लीज ऑल्टरनेटिव। पर्टिकुलर ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री। सबसे पहले एक तो हमें क्या देने पड़ेंगे, लीज रेंट देने पड़ेंगे। हमारे लीज रेंट का अमाउंट कितना है, 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख, टेन परसेंट ऑफ रेवेन्यू। हमने जो रेवेन्यू कमाई 22.5 लाख, तो इसका 10% आपको देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बताइएगा, 2,25,000। इधर आ जाएगा 2,50,000 और इधर आ जाएगा 2,75,000। एक है लमसम पेमेंट, थर्ड ईयर में हमें एक लमसम पेमेंट करना है 6 लाख का। ये लीजिए, ये हमारे पास आए टोटल कैश फ्लो। सात लाख पच्चीस हजार, 7,50,000 और 7,75 प्लस 6 लाख यानी 13,75,000। टैक्स बेनिफिट, एट द रेट 50%, 7,25 का 50% 3,62,500, 7,50 का 50% 3,75,000, 13,75,000 का 50%, 687,500। ये नेट कैश फ्लो आए,
362,500, 375 और 687,500. नाउ व्हाट विल बी द डिस्काउंट रेट? अगर हम बात करें तो देखिएगा, हमें बोरोइंग कॉस्ट, जो बोरोइंग रेट जो दी हुई है वो 16% है। केडी आफ्टर टैक्स यूज करेंगे एज अ डिस्काउंट रेट 16, 1 माइनस 0.50, तो 8% हमारे पास रहेगा। नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बताइए 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.926, 0.857, 0.794। ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ये आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। बताइए प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 362,500 इंटू 0.926, तो ये आ गया 335,675। तीन लाख 75,000 इंटू 0.857, तो ये आ गया 321,375 एंड द लास्ट वन इज 687,500 इंटू 0.794, तो ये आ गया 545,875। लीजिए अब इन तीनों का टोटल कर दो, 545,875 प्लस 321,375 प्लस 335,675, ट्वेल्व जीरो टू 925। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर लीजिंग ऑप्शन आ गया, कि अगर हम लीजिंग ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इतनी आ जाएगी। ऑल्टरनेटिव टू, बाइंग ऑप्शन। देखिएगा अब इस बार बाइंग ऑप्शन में आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग करके दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर नेक्स्ट। टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट अमाउंट, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट अमाउंट, ईयर इंटरेस्ट अमाउंट एंड टैक्स बेनिफिट।
ईयर वन तीन लाख बावन हजार का इंटरेस्ट, ईयर टू दो लाख बहत्तर हजार का इंटरेस्ट और ईयर थ्री एक लाख छत्तीस हजार का इंटरेस्ट। इस पर 50% की रेट से टैक्स बेनिफिट, तो 352 का 50%, एक लाख छिहत्तर हजार, 272 का 50%, एक लाख छत्तीस हजार, और एक लाख छत्तीस हजार का 50% 68,000। तो ये हमारे पास टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन सबसे पहले निकालेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम। बताइए असेट की कॉस्ट कितनी है, 22 लाख, माइनस 10 लाख, डिवाइडेड बाय 3, यानी 12 लाख डिवाइड बाय 3, तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन बना वो बन गया 4 लाख। Now, tax benefit of depreciation 4 लाख का 50%, रुपीस 2 लाख। तो ये लीजिए, ये हमारा हमारे पास आ गया टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ इसके बाद नेक्स्ट, कोई एक्सपेंसेस आपको दे नहीं रखे हैं, स्क्रैप वैल्यू पब्लिक सल्वेज वैल्यू, रुपी 10 लाख। अच्छा जी, अब देखिएगा यहां पर अगर मैं ये चेक करता हूं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने 3 सालों तक 4-4 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 12 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। असेट की वैल्यू थी 22 लाख, 22 लाख में से डेप्रिसिएशन हो गया 12 लाख, तो उसकी जो WDV या बुक वैल्यू बची वो 10 लाख, और 10 लाख की चीज को मैंने 10 लाख में ही बेच दिया, यानी देयर विल बी नो कैपिटल गेन और लॉस इन दिस केस। चाहो तो हम यहां देख सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ असेट निकालिए सबसे पहले। कैसे निकालोगे, 22 लाख की कॉस्ट है माइनस 12 लाख का 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ गई 10 लाख और स्क्रैप वैल्यू भी कितनी है, 10 लाख। तो इस वजह से यहां पर ना तो कोई कैपिटल गेन हुआ ना कोई कैपिटल लॉस हुआ, तो इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट मुझे यहां पर नहीं करना है। चलिए
स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। बाइंग ऑप्शन में हम कैश फ्लो की क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पर्टिकुलर ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, सबसे पहले मैंने ले लिया इंस्टॉलमेंट अमाउंट। बताइए मेरी पहले साल की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 852,000, फिर दूसरे साल है 850 प्लस 272 यानी 1,122,000, और 850 प्लस 136 986,000। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट कितना निकाला था हमने, 176 136 एंड देन 68,000। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन 2 लाख और 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गए नेट कैश फ्लो, ये आ गया नेट कैश फ्लो 852,000 माइनस 176 और माइनस 2 लाख। नाइन एट्टी सिक्स माइनस 68,000 माइनस 12 लाख, तो ये आ गया 282। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पॉइंट 857 और पॉइंट 794। अब हमारे पास आएगी प्रेजेंट वैल्यू 476,000 इंटू 0.926, 440
786 into 0.857, 673602 और 282 into 0.794 23908. Total present value, total present value 440776 plus 673602 minus 223908. 89047. तो देखिएगा आपके पास लीजिंग ऑप्शन की तो प्रेजेंट वैल्यू आई थी 12 लाख और बाइंग ऑप्शन की आई है 890470. तो डिसीजन क्या बनेगा, डिसीजन कंपनी शुड बाय कंप्यूटर, कंपनी को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर बाय करना चाहिए. बोलिए क्लियर है बिल्कुल. चलिएगा अब हम लेते हैं क्लास एग्जाम्पल 4. देखो ये क्या बोल रहा है, अल्फा लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर, डिसाइड वेदर कंप्यूटर इज टू बी परचेज्ड आउटराइट थ्रू 15% बोरोइंग और टू बी एक्वायर्ड ऑन लीज रेंट बेसिस. The rate of income tax may be taken at 40% and the other data available are as under. Purchase price 20 lakh hai. Bahut dhyan se sunna. Annual maintenance cost to be paid in advance 50,000 per annum. Expected economic life 6 saal. Tax purpose ke liye depreciation SLM se lagega. Salvage value 2 lakh hai. Leasing के पॉइंट दे रखे हैं, लीज चार्जेस टू बी पेड इन एडवांस, लीज का जो पेमेंट होना है वो एडवांस में होना है 4.5 लाख रुपए पर एनम, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लीज ऑप्शन में वो लेसर बियर करेगा, यानी अगर आप बाय करते हो तो आपको बियर करनी है, लेकिन अगर आप असेट को लीज पर लेते हो तो मेंटेनेंस के खर्चे कौन बियर करेगा, लेसर बियर करेगा. पेमेंट ऑफ लोन इज मेड इन 6 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 528474 ईच. आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है. डिसाइड वेदर अल्फा लिमिटेड गो फॉर बाइंग और लीजिंग ऑफ कंप्यूटर. आपको बताना है कि बाय करना चाहिए या आपको उसे लीज पर लेना चाहिए. तो चलिए ऑल्टरनेटिव वन, लीज ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव वन है लीज ऑल्टरनेटिव. पहला कॉलम ईयर, फिर कैश फ्लो,
टैक्स बेनिफिट, नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट। देखिएगा, लीज चार्जेस का जो पेमेंट हो रहा है वो एडवांस में हो रहा है। लीजिए, तो ईयर जीरो में हमने सबसे पहले 4.5 लाख का पेमेंट किया, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेट कैश फ्लो 4.5 लाख रहेगा। ईयर जीरो का पीवी फैक्टर 1 है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी 4.5 लाख। नाउ अब देखिएगा, 5 पेमेंट और बाकी हैं, टोटल 6 पेमेंट थे, तो 1 से लेकर 5th ईयर तक हर साल लीज रेंट जाएगा 4.50 का। अब आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, 40% का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये लीजिए, आपको 1.80 का टैक्स बेनिफिट मिल गया, तो आपका जो नेट कैश फ्लो आया वो आ गया 2,70,000। चलिएगा, डिस्काउंट रेट क्या है हमारे पास, टीडी आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट हम क्या लेंगे, पीवी फैक्टर जो लिए जाएंगे वो केडी 1 माइनस टी, दैट इज 9%। तो देखिएगा, 1 डिवाइड बाय 1.09, 1, 2, 3, 4 और 5, 3.890, 3.890 इंटू 2,70,000, तो यह आ गया 10,50,300। 6th ईयर में कैश फ्लो कुछ नहीं है, लेकिन आपको 1,80,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो नेट कैश फ्लो आपका -180 रहेगा। लीजिए, लास्ट ईयर का कैश पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाय 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.596, 0.596 इंटू 180, 1,07,280। ये लीजिए, आपके पास वैल्यू आ गई 4.50 plus 10,50,300 minus 1,07,280। ये मेरे पास लीज ऑल्टरनेटिव के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव 1 आ गया। ऑल्टरनेटिव 2, बाइंग ऑप्शन। चलिएगा, ऑल्टरनेटिव 2 पर आते हैं, बाइंग ऑप्शन पर। सबसे पहले मुझे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये मुझे निकालनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट दी हुई है। आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 528,
4674, that is our installment value. Now, calculation of interest element included in each installment. चलिएगा, अब अपन इंटरेस्ट एलिमेंट निकालेंगे। पहला कॉलम ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन उस पर हम इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें पता है तो हम प्रिंसिपल रीपेमेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लीजिए, अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ईयर एंड पर ही हो रहा है। चलिएगा, ईयर वन आपके पास लोन था असेट की कॉस्ट के बराबर यानी 20 लाख। बताइए इंटरेस्ट कितना लगेगा आपका? इंटरेस्ट लगेगा 15% की रेट पर 20 लाख पर 3 लाख। आपने पेमेंट किया है 528474, ध्यान से सुनना, ये टोटल इंस्टॉलमेंट है जिसमें दो बातें इंक्लूड हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मुझे पता लग गया है तो रिमेनिंग जो बचा वो प्रिंसिपल आ गया, यानी 528474 माइनस 3 लाख, तो लीजिए प्रिंसिपल रीपेमेंट आ गया 228474। नाउ अब ध्यान से सुनना, मेरा लोन का ओपनिंग बैलेंस था 20 लाख, 20 में से मैंने इतने प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर दिया तो अब लोन कितना बचा? अब लोन बचा 17,71,526। ईयर टू 1771526, आइएगा इस पर 15% इंटरेस्ट लगेगा 265729, इंस्टॉलमेंट गई है 528474। लीजिएगा, इस इंस्टॉलमेंट में इतना तो इंटरेस्ट है यानी 528474 माइनस 265729, तो हमने प्रिंसिपल के बदले में पेमेंट किया 262745 माइनस। अब सुनना, इतना लोन बाकी था उसमें से अब इतने लोन का रीपेमेंट हो गया यानी 17,71,526 जो लोन का ओपनिंग था उसमें से प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस कर दिया, अब लोन बचा 15,08,781। ईयर थ्री 15,08,781 इस पर 15% इंटरेस्ट 226
317, टोटल इंस्टॉलमेंट दी है 528474, प्रिंसिपल निकालो 528474 में से ब्याज है 226317, 302 15, लोन का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं 1508781 में से 302157, ईयर 4 1206, 624 का ओपनिंग बैलेंस है, इस पर 15% इंटरेस्ट लगेगा 1899 528474, नाउ 528474 माइनस 180994, 347480, लोन का क्लोजिंग बैलेंस बताइए 1206624 माइनस 347480, 859140, बोलिए क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल आगे कंटिन्यू होगी। ईयर 5 ओपनिंग बैलेंस है 859144, इस पर 15% इंटरेस्ट लगाओ, दैट इज 128872, 128, हमने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है 528474, तो 528474 माइनस 128872, तो ये प्रिंसिपल आ गया 399 माइनस, अब हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस कर दो 859 15, तो अब बचा 459542, सिक्स्थ ईयर में 459542, इंस्टॉलमेंट चुकाई है 528474। अब लास्ट ईयर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, रीजन हम जो राउंडेड ऑफ करते आए हैं वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट निकालोगे वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना। 528474 माइनस 459542, 68932, 459542 और डैश। तो ये लीजिए, ये हमारे पास सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का चार्ट बन गया। फर्स्ट मुझे आइडेंटिफाई करनी थी इंस्टॉलमेंट वैल्यू, फिर उस इंस्टॉलमेंट में से मैंने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग कर लिया। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट
ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ईयर इंटरेस्ट अमाउंट और टैक्स बेनिफिट ईयर वन का इंटरेस्ट कितना था आपका 3 लाख ईयर टू का इंटरेस्ट था 265,729 ये देखिए इंटरेस्ट आपने ये सारे निकाले हुए हैं। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 226,26,317। फोर्थ ईयर का 180,994। फिफ्थ ईयर का 128,872 और सिक्स्थ ईयर का 68,932। टैक्स बेनिफिट मिलेगा एट द रेट 40%। आपकी टैक्स रेट 40% है। पहला टैक्स बेनिफिट 120, 265,729 का 40%, 106,292, 226,317 into 40%, 90,527, 180,994 का 40%, 72,398 128,872 40%, 51,549 68,932 27,573 ये लीजिए ये हमारे पास टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू है। बस इंटरेस्ट निकाल और इंटरेस्ट पर हमने टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट। फोर्थ पॉइंट टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका सबसे पहले निकालोगे डेप्रिसिएशन पर एनम। देखिएगा असेट की कॉस्ट है 20 लाख, माइनस स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू दे रखी है 2 लाख, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल, कितना आ गया बताइए? ये हो गया 18 लाख डिवाइड बाय 6। ये तो आपका क्या बन गया पर एनम का डेप्रिसिएशन बन गया। नाउ टैक्स बेनिफिट 3 लाख का 40%, 1,20,000 हमारा टैक्स बेनिफिट।
नेक्स्ट कैश फ्लो ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं ये समझ आ गया। आप अगर असेट को परचेस करते हो तो मेंटेनेंस आप ही को करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप लीज पर लेते हो तो लेसर करेगा, तो अब चूंकि ये कॉमन खर्चा नहीं है तो ये भी इवेल्युएशन में काम आएगा। पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम कैश फ्लो, देन उसका टैक्स बेनिफिट, और देन नेट कैश फ्लो चलेगा। अच्छा एक और चीज है कि आपको ये दे रखा है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एडवांस में पे होगी, तो पहली ईयर जीरो में पे होगी 50,000 रुपए, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो नेट कैश फ्लो आपका 50 ही रहेगा। फिर उसके बाद ईयर वन से लेकर 5 तक 50,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट दोगे, इसका 40% आपको 20,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और नेट कैश फ्लो 30,000 आ जाएगा। ईयर 6 में कोई कॉस्ट नहीं होगी लेकिन 20,000 का टैक्स बेनिफिट पक्का से मिलेगा, तो नेट कैश फ्लो भी 20,000 है। बोलिए क्लियर यहां पर। पॉइंट नंबर 6, स्क्रैप वैल्यू। जरा चेक करते हैं, देखिएगा इस असेट की जो बुक वैल्यू है वो 2,00,000 आएगी। कैसे? देखो आपने हर साल 3,00,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6 सालों तक, 3,00,000 का डेप्रिसिएशन 6 सालों तक, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना? 18,00,000। 20,00,000 की असेट थी, 18,00,000 उसका डेप्रिसिएशन है, तो बुक वैल्यू आ गई 2,00,000। और सेल वैल्यू भी 2,00,000। सो कैपिटल गेन ने तो आपका जो टैक्स एडजस्टमेंट होगा वो डैश हो गया। ये लीजिए, ये आपके पास स्क्रैप की वजह से जो कैश फ्लो है वो आ जाएगा। देख लें यहां तक, चलिए अब बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। आइएगा अब बाइंग ऑप्शन के तहत हम वैल्यू निकालेंगे। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, अच्छा लेकिन
इसमें ईयर जीरो भी बने आपका, क्योंकि हमारे पास कुछ कैश फ्लो ईयर जीरो के भी हैं। तो मैं वापस बना देता हूँ, सबसे पहले ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव और ईयर सिक्स। चलिएगा, सबसे पहले हमारे पास है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। बताइए इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना था? 528474। 528474474। फाइव टू एट 474 और 528474। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, हमने सेकंड वर्किंग जो बनाई थी वो टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट की बनाई थी। चलिए टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, 1,20,000, 106, 292। आप देख सकते हैं हमने यहां पर ये वर्किंग पूरी बनाई हुई है, 90527, 90527, 72398, 51549, 49 और 27577। उसके बाद था टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बेनिफिट वो आपका हर साल 1,20,000 था, 1,20, 1,20, 1,20,000, 1,20, 1,20 और 1,20। ये हमारा आ गया टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से हमारा कैश फ्लो कितना था बताइए? ये था ईयर जीरो में 50,000, उसके बाद ईयर वन से लेकर और ईयर फाइव तक 30,000 और लास्ट ईयर में हमारा जो टैक्स बेनिफिट था वो था 20,000। उसके बाद स्क्रैप, दो लाख। ये लीजिए हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाएंगे, दैट इज नेट कैश फ्लो। पहले साल आपका 50,000 का नेट कैश फ्लो है, सेकंड ईयर में बताइए
फाइव टू एट फोर सेवन फोर माइनस एक बीस माइनस एक बीस और प्लस 30,000, तो 318474, 318474, ईयर टू में बताएं, 528474 माइनस 106292 माइनस 120 प्लस 30,000, ये आ गया 332182, 332182। इसी तरह से ईयर थ्री का निकालेंगे, 347947, ईयर फोर का 366076, ईयर फाइव का 386925, 16090, ये लीजिए निकाल लें। ये हमारे पास जीरो ईयर से लेकर 6 सालों तक के कैश फ्लो आ गए। निकाल लिए सभी ने। अब इसके बाद पीवी फैक्टर लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देखिएगा ईयर जीरो का तो वन रहेगा, अब उसके बाद आपको 6 सालों के पीवी फैक्टर चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 0.917, फिर उसके बाद 0.842, जीरो पॉइंट सेवन सेवन टू, जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट, जीरो पॉइंट सिक्स फाइव जीरो और 0.596 लीजिए। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो आ जाएगा। पहले साल का तो 50,000, अब देखिएगा जीरो ईयर का, अब था आपके पास 318474 इंटू 0.917, तो ये आ गया 292041, 292041। इसी तरह से सारे सालों के आप क्या निकालोगे, आपको ये जो भी कैश फ्लोज दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो इन पीवी फैक्टर से, 279, 697, 268, 615, 259, 182, 251, 501 और 9589। Hence, total of present value of cash flows चलिए टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालते हैं, 50 प्लस 292041 प्लस 279697 प्लस 268615 प्लस 259182 प्लस 251501 प्लस 95897।
ये आ गया 14,96,000। लीजिए बाइंग ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये आ गया, और लीज ऑप्शन में आपकी कितनी आई थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 13 लाख समथिंग थी। तो बताइए क्या करना चाहिए, डिसीजन। डिसीजन कंपनी शुड गो फॉर लीजिंग ऑप्शन, कंपनी शुड गो फॉर लीजिंग ऑप्शन। कंपनी को क्या करना चाहिए, लीजिंग ऑप्शन पर जाना चाहिए। ये हमारे पास इसका डिसीजन आ जाएगा। और क्यों जाना चाहिए, आप साथ में ये भी लिख सकते हैं, सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज लोअर अंडर लीजिंग ऑप्शन, इज लोअर अंडर लीजिंग